माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वृंदावन बिहारी लाल की। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में अलीगढ़ वासियों को और इस पूरे मंडल और इस परिक्षेत्र को अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ब्रज क्षेत्र की इस धरती पर आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय सांसद श्री राजवीर दिलेर जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और भारी संख्या में अलीगढ़ जनपद मंडल से उपस्थित भाइयों बहनों, आज राधा अष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है और ये हम सबका सौभाग्य है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ब्रज भूमि पर, आज इस अलीगढ़ की पावन धरती पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और यहां की बहुत प्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हरेक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह अन्न प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई तो दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जितना बेहतर प्रबंधन भारत ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, वह दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने भी एक मिसाल बन गई है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके जीवन और जीविका को बचाने के इस अद्भुत प्रयास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 1,61,00,000 नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी तोहफा दिया था। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ नोड के कार्य के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं आगमन अलीगढ़ में हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, रक्षा उत्पादन में देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ साथ अलीगढ़ जैसे क्षेत्र में जो हार्डवेयर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिसने अपनी एक अलग मिसाल प्रस्तुत की है, उस फील्ड में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के इस नोड के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए अलीगढ़ वासियों की ओर से, आप सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप अक्सर इस बात के पहले कहते थे कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सबके लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन, राधाष्टमी का दिन, इस पवित्र ब्रज भूमि की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उपहार स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।